के, लोगों का प्यार पाके। चार चार महीने जब हम किसी चीज को रोज करते हैं, रोज वही एंथम सुनते हैं, आदत पड़ जाती है उस चीज की। तो क्या कुछ मिस कर रही हो आप बिग बॉस के घर से निकल के? बिग बॉस में मिस कर रही हूँ मैं सुबह का उठना, उसके बाद सूर्यदेव को पानी देना, एंथम पे डांस करना सोते सोते, और उसके बाद वो जो सोते थे बीच में मुर्गा बोलता था वो, क्योंकि अभी जैसे बीच में मुझे झपकी आ जाती है सोने, मुझे मुर्गा बोलने वाला, क्योंकि वो अभी तक हमारे जहन में है। खाना बनाना, खाना खाना और राशन पे टास्क लड़ना, तो वो सब चीजें मैं मिस कर रही हूँ। क्या कुछ बदलाव हो गया आपके लाइफ में आफ्टर बिग बॉस? मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ, शांत स्वभाव की हो गई, वैसे शांत नहीं हुई हूँ, वैसे शांत स्वभाव की हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा, जैसे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, आपने देखा होगा पहले एपिसोड का गुस्सा, और लास्ट तक मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ उस चीज को मैं थोड़ा चेंज करूँ। जैसे सलमान सर ने मुझे बताया था कि आपको थोड़ी अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो मिनट वाली लैंग्वेज ना बोल के थोड़ा सा पोलाइटली मैं बात करूँ, देसी शब्द यूज करूँ, बट ज्यादा नहीं, जैसे फाड़ दूंगी, मारते मारते मोर बना दूंगी, ये सब चीजें, तो मैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की सोच रही हूँ, तो ये सब चीजें मैं अपने आप में चेंज करना चाहती हूँ। टॉप 2 के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगी? लोगों का मानना है कि एमसी स्टैन जीत गए, काफी शॉकिंग न्यूज था लोगों के लिए जब वो हाँ बाहर आए ट्रॉफी लेकर। प्रियंका का मानना, प्रियंका चाहती थी लोग प्रियंका जीते, शिव जीते, आप जीते, बट एमसी स्टैन जीत गए। बट आपको क्या कहना है? देखो पता क्या, ये शो वोट का है, अगर ये शो वोट का नहीं होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि घर में इन्वॉल्वमेंट का अगर हम बात करें तो मैं, प्रियंका और शिव ये टॉप 3 में होने चाहिए थे, फिर चाहे कोई भी जीते उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बट अब ये शो वोट का है तो देखो आपको भी पता है कि स्टार्टिंग से वोट एमसी स्टैन को मिलती हुई आ रही थी, उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे चीजों को, तो एमसी स्टैन को ट्रॉफी मिली ये हम लोगों ने ऑल द बेस्ट भी बोला, बेस्ट ऑफ भी बोला, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता, जैसे कि एक इलेक्शन में जब नेता को वोट मिलती है तो वो उसके हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में होता है, तो एमसी स्टैन को ट्रॉफी मिली ये भी जनता के हाथ में था, हमने उनका सम्मान रखा और उसको सराहा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें गलत हुई है, नहीं हुई है, जो जनता का फैसला था वही चीजें हुई है। कोई बात नहीं, आप ट्रॉफी नहीं जीती तो लोग काफी बेहद तरीके से जीता। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद टॉप 5 के जो भी कंटेस्टेंट हैं उनके एक एक करके वीडियोस आ रहे हैं, वो भीड़ में जा रहे हैं, सेल्फियां खिंचा रहे हैं। आपके स्टाइल में, आपके जीवन में क्या चल रहा है आफ्टर बिग बॉस? देखो मेरे लाइफ में अभी ये सब चीजें लाइन, और बस मैं वेट कर रही हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में कब जाऊँ, मेरठ कब जाऊँ, तो मे भी मैं 19 तारीख को जा रही हूँ, यानी संडे को मैं जा रही हूँ मेरठ, तो देखते हैं कि वहां की जनता का प्यार मुझे क्या मिलता है, वो मैं आपको सबको दिखाऊंगी। और कुछ फैन मूवमेंट? यस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे कितना प्यार किया है यार, मतलब आप लोगों ने, मैं जैसी हूँ कैसी भी हूँ आपने मुझे वो पसंद किया है, मुझे बहुत प्यार मिला है, उसके लिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहना और ऐसे ही हमेशा साथ रहना। अच्छा, घर के गेम की बात करें तो जी एक ऐसा मोमेंट आया था जिसमें आपको घर से एविक्ट कर दिया गया जी था, शिव के साथ कुछ अनबन हो गया था आपका, बट आप वापस घर में आई, तो उस पे कुछ अलग रिएक्शन था लोगों का, कुछ अलग इफेक्ट पड़ा, तो आपको क्या, आप उस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखो वो एक मोमेंट था जब चीजें हुई, वो हो गया, बट हाँ वो चीज जब हुई थी तो मुझे भी लगा था कि यार मतलब मुझे बाहर निकाल दे, बट वहां का रूल था ये कि आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, बट सलमान सर ने, बिग बॉस ने, कलर्स ने और एटम होल ने और जनता ने मुझे बुलाया अंदर, वापस एक मौका दिया, और उस मौके पे मैं खड़ी रही, क्योंकि बीच में मेरे साथ ऐसी चीजें हुई थी कि मैं रोक नहीं पा रही थी, मेरे को लूजर ये सब चीजें बोली जा रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता था, बट मैंने कहा नहीं अर्चना, यही शो है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो मैंने किया, यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने देखा होगा, शो में भी देखा होगा, मेरे भी काफी चेंजेस आए, देखो इंसान हूँ, गलती होती है, एकदम से नहीं आ सकते, धीरे धीरे चीजें आएंगी, बट अब मैं जब बाहर निकली तो एक ठहराव आ गया मेरी लाइफ में, तो आगे आगे मैं चीजें सीखूंगी। बिग बॉस में कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं था जिसके साथ आपकी भिड़न ना हुई हाँ हो, चाहे वो अब्दू हो चाहे वो साजिद सर हो। हाँ तो अब्दू से जब आप लड़ती थी, वो उम्र में काफी छोटे हैं, तो क्या कुछ चलता था मन में, वो कॉम्पिटिटर मानती थी उसको कि क्या था? देखो उम्र से कुछ नहीं होता, मैंने एक चीज इंग्लिश में सुनी है, एज इज डजंट द मैटर, एज डजंट द मैटर, कुछ ऐसे सुना है मैंने। वो ऊपर है, 19-20 साल का लड़का है, खुद के दम पे वो कमाता है,
जनता का प्यार पाता है, सब कुछ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे घर में उसको बच्चा ही समझा जाता था, चाहे वो कोई भी हो उसको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था, बट मैं नहीं करती थी क्योंकि मैं हर इंसान को, चाहे वो साजिद जी हो, बड़े हैं, मैं रिस्पेक्ट करती थी। मैंने कभी ऐसा गलत उनको नहीं बोला, उन्होंने बोला बट मैंने उसकी रिस्पेक्ट की, मैंने अभी तक तो उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे वो फेवरेट हैं। तो मैं एक अब्दू को एक कंटेस्टेंट मानती थी, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि जब मैं सबके साथ में वो बिहेव कर रही हूँ, सबके साथ में कर रही हूँ, उसके साथ क्यों नहीं करूँ। क्यूट वो है, क्यूट मैं मानती हूँ, बट वो एज अ कंटेस्टेंट भी है, अगर वो गलत कर रहा है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा तुम गलत कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया भैया, मैंने कंटेस्टेंट माना है। अगर बच्चा मानना था तो आपको मुझे बोलना होता था कि भैया बच्चा माना, तो मैं उस तरह से ट्रीट करती, बट मैंने उसको कंटेस्टेंट माना तो मैं उसको उस तरह से ट्रीट किया। और आपका रिएक्शन जो अब्दू और निमृत की क्लोजनेस जब बढ़ रही थी, लोग कुछ अलग भी समझ रहे थे, बट आप लोग ने भी बोला कि वो बच्चा नहीं है, को दुरिया बना लो, उससे हाँ, समझा दो, हाँ, उस पे आपका क्या रिएक्शन है? मैंने निमृत को बोला था स्टार्टिंग में, निमृत मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस चीज से, उम्र अल्लड़ उम्र होती है जब इंसान को ना पता नहीं चलता कि वो क्या करता है, तो बस वही एक अल्लड़ उम्र था। बट निमृत ने उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से समझा और उस चीज पे काम किया। इनफैक्ट अब्दू जब बाहर गया था और अंदर आया था, अब्दू ने भी उस चीज को समझा और काम किया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उस चीज पे काम किया, तो वो एक बेस्ट है। आफ्टर बिग बॉस हाल ही में फरहान आपके यहाँ पार्टी थी, बिग बॉस सक्सेस पार्टी, क्या कुछ धमाल हुआ उसमें, कितने लोग मिले आपसे उसके बारे में? फुल धमाल हुआ, इनफैक्ट मैं सब लोगों से मिली, बहुत लोग आए हुए थे वहाँ पे, और मेरी लाइफ की पहली ऐसी पार्टी थी जिसमें सेलिब्रिटीज एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे हैं और मतलब मस्ती कर रहे हैं, तो मजा आ गया। राजकुमार राव मिले आपको, आपने फोटो अपलोड की, सेलिब्रिटी वो आपको सबसे पसंद है?